हेलो फैमिली, कल सुबह सुबह भगवान का नाम लेके निकल लिए थे बगहा के लिए, बिकॉज भाभी को ड्रॉप करना था वहाँ पे। फाइनली 2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुँच गए थे बगहा, और वहाँ जाने के बाद भाभी अपने काम में बिजी हो गई थी। फिर कुछ देर के बाद बड़े अंकल आ गए। बड़े अंकल को पीछा याद करके बुलाती है और मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हुई। और वहाँ पर मुश्किल से आधा घंटा रुके होंगे बिकॉज वापस आना था कल ही। फिर खाना वगैरह खा के वहाँ से निकल लिए थे। और ये जो है ना गंडक नदी है, जो भैंसा लोटन जो नहीं है वहाँ पे वाल्मीकि नगर में, वहाँ से नदी आई हुई है। फिर हम गोपालगंज जो है गोपालगंज से लेकर मम्मी को निकल लिए थे सिवान के लिए, क्योंकि कल ना भैया का तिलक था मौसी जी के बेटे का। फिर सिवान के अंदर जब गए ना बहुत ज़्यादा जाम देखने को मिला था। उसके बाद से फिर प्रियम और अतुल बाबू लेने आ गए थे बाहर में, और जो वाइट वाला है वो मेरे मौसी जी का घर है। फाइनली हम लोग घर के अंदर आ गए थे और माँ चले गई थी ऊपर मौसी जी लोग के पास, और हम बैठ गए थे नीचे थोड़ा देर के लिए बिकॉज काफ़ी गर्मी हो गया था। हमें सामने में बैठे हैं मौसा जी, और ये जो नीचे का हॉल है ना इसी में तिलक का कार्यक्रम वगैरह होने वाला है। उसके बाद जो भी कजिन थे सब आके बैठे हुए थे यहाँ पे, और हॉल में ही पूजा पाठ किया गया था, कथा हुआ था सुबह में। फिर हम भी चले गए थे ऊपर। ऊपर जाके देखे तो पूरा हॉल खाली था, सभी लोग कमरे में बैठे हुए थे बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और ये है मेरी दीदी की बेटी, इसकी आँखें जो पूरी नीली नीली सी हैं। ये जो एरिया है ना सामने वाला और ये घर, ये हमारे मौसा जी का पुराना घर है, इस पर लिखा हुआ है मंगल भवन करके, बहुत बड़ा घर है ये। उसके बाद से फिर हम आए ऊपर में और देखे सभी लोग बैठे हुए थे कमरे में, दीदी थी जीजा जी थे, और हम लोग का डिस्कशन चल रहा था कि कौन सा ड्रेस कब पहनना है क्या करना है। सारे भाई बहन ये बैठ के बातें कर रहे थे। वैसे जब सारे कजिन्स मिलते हैं ना तो एक मस्ती का जो लेवल होता है ना काफ़ी हाई हो जाता है, बहुत मज़ा आता है। फाइनली शाम के टाइम ना जो लड़की वाले थे यानी कि भाभी के घर के साइड के लोग वो आ गए थे तिलक चढ़ाने के लिए। फिर नाश्ता पानी करा के हम लोग बैठे रहे, कुछ बात बात की है वहाँ पे। उसके वजह से जो भी तिलक का कार्यक्रम था वो शुरू होने वाला था, हम सब लोग भैया का वेट कर रहे थे। और जो वहाँ पे कुर्ता पजामा बैठे हुए भाभी के भाई हैं, सारी मौसी लोग मामी लोग सब लोग तैयार हो गए थे, सभी लोग अंदर आ रहे थे कि करके सब लोग बैठे जा रहे थे अंदर आ करके। और हमसे माँ कुछ कह रही थी यहाँ पे पापा जी को बुला लो अंदर, तो इन लोगों का वीडियो वगैरह बना करके हम सोचे कि पापा और मौसा जी सभी को अंदर बुला लाएं, बिकॉज सब लोग बाहर बैठे थे कि तिलक कब से शुरू होगा, फिर अंदर आके बैठे वो लोग भी। और जैसे जैसे समय बीतता चला गया ना वैसे लोगों की संख्या बढ़ती चली गई थी, पूरा एरिया भर गया था। फिर हम चले के ऊपर देखे तो सभी बहनें तैयार हो थी, भाई सब तैयार हो रहे थे, नीलू दीदी तैयार हो गई थी, रंजिता दीदी थी और दीप्ति दीदी, इन लोगों का फोटोज ले रहे हैं बट इन लोगों का वीडियो बना लिए थे। और भैया भी फाइनली तैयार हो गए थे, कंघी कर रहे थे, और सामने जीजा जी उनको तैयार करा रहे थे, भाई सब हेल्प कर रहे थे। कल ऐसा लग रहा था ना क्योंकि सेलिब्रिटी आ गया है, सभी फ़ोटोज़ लिए जा रहे थे, और ऐसे भैया सेलिब्रिटी लग भी रहे थे, काफ़ी हैंडसम लग रहे थे, और उनका कल दिन भी था। फिर सभी लोग नीचे चले गए और हम भी लॉक करके नीचे चले गए, पीछे पीछे हम तभी कुछ वीडियो बना रहे थे। और कुछ देर के बाद तिले का कार्यक्रम शुरू हो गया। उसके बाद से जो भी रिचुअल्स थे सभी रिचुअल्स को किया गया था। कई ढेर सारे रिचुअल्स ऐसे होते हैं जो किए जाते हैं, और हम कल फर्स्ट टाइम तिलक देखे थे चढ़ते हुए कि पूरा मतलब होता है ना कि कैसे क्या होता है, तो कई चीज़ देखने को मिला था कैसे तिलक चढ़ाया जाता है, तो बहुत सही लगा देख करके। लगभग ना 1 से 1.5 घंटे के बीच में, फिर 2 घंटे तक बोल सकते हैं, तिलक कार्यक्रम जो था वो पूरा हो गया था। उसके बाद से जो चावल से चुमावन कहा जाता है मेरे वहाँ, वो किया गया था, सभी लोग बारे बारे से करते चले गए थे। लेडीज़ लोग ज़्यादा थी, मम्मी मौसी सभी लोग, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था। एक एक करके सभी लोग आते चले गए, और सबसे मस्त तो दोनों जीजा जी लोग थे, तुषार जीजा जी राजन जीजा जी पीछे मस्त चिल कर रहे थे, बैठे हुए थे। उसके बाद से मम्मी आई और जीवान जो करना था वो की, उसके बाद से फिर मौसी जी आई वो भी अपना की, ऐसे कर करके ना जो भी दीदी लोग थी लाइक दीप्ति दीदी आई। उसके बाद से फिर सबसे लास्ट में आई थी नीलू दीदी। इसके बाद हम सारे कजन्स खाना पीना खाएं और आराम किए, काफ़ी मस्ती किए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते फिर आपसे कल। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते फिर आपसे कल, तब तक के लिए राम राम।